सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शांति वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है निरंतरता के साथ हम वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और यह स्वाध्याय हमको सदगति की ओर ले जाता है हमारी जब सन्मति होगी मति शुद्ध होगी बुद्धि हमारी शुद्ध होगी तो जो बुद्ध जो शुद्ध है मन से वही बुद्ध है अपनी शुद्धता के लिए अपनी बुद्धता के लिए हम सतत स्वाध्यायशील रहें प्रयत्नशील रहें और अपना भी और इस संसार का कल्याण करना हम सबका परम कर्तव्य है इसलिए महर्षि देव कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सभी आर्यों का श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है इसको आचरण में लाना क्योंकि जब तक हम आचरण में नहीं लाएंगे तब तक केवल अपने जो है वागविलास के लिए केवल वाणी तक इसको सीमित रखना इससे कल्याण नहीं होगा इस कल्याणी वेदवाणी का हम अपने मनसा वाचा कर्मणा इसको आत्मसात करें जब इसको आत्मसात करेंगे तो निसंदेह हमारा जीवन अत्यंत उत्कृष्ट हो जाएगा हम निकृष्ट जीवन नहीं जिएंगे हम उत्कृष्ट जीवन जिएंगे हम भ्रांति में नहीं हम शांति में जिएंगे हम गफलत में नहीं जिएंगे ऐसा हमारा सबका यह श्रेष्ठतम जीवन हो ऐसी भावना से हम स्वाध्याय करें और पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी ऋग्वेद के सातवें मंडल के प्रथम सूक्त के नवें दसवें और ग्यारहवें मंत्र का हमने स्वाध्याय किया था जिसमें बहुत ही सुंदर चर्चा की थी कि मन हमारा पवित्र हो मन अच्छा हो हम उत्तम मन वाले बने और प्रभु का स्तवन करने वाले बने आसुर भावों को हम दूर करें हम प्रभु के उपासक बने औरों के ऊपर हम बोझ ना बने हम दूसरों के सहारे बने अपितु तो हम दूसरों के दुख दर्द का बोझ उठाने वाले बने ऐसा श्रेष्ठ जीवन यदि हमारा बन जाए तो वास्तव में हम बहुत श्रेष्ठ उत्तम जीवन जी पाएंगे हमारी संतानें भी उत्तम हों वीरता धीरता गंभीरता से युक्त हों ऐसा जीवन जीना चाहिए और आगे हम चर्चा कर रहे हैं आज सातवें मंडल के इस प्रथम सूक्त के तेरहवें मंत्र का बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है प्रथम वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूँ फिर चर्चा करूंगा पाहि नो अग्ने ही नो अग्ने रक्षसो अजुष्टात 巴西。 अजुष्टा पाही धूर्तेर ऋषो धूर्तेर

त्वा युजा त्वा युजा प्रीतनायूरभिश्याम प्रतनायुरभि श्याम ऋग्वेद के सातवें मंडल के प्रथम सूक्त का यह तेरहवा मंत्र है ओ पाहिनो अग्ने रक्षसो अजुष्टात् पाही धूर्ते रुषो त्वा युजा प्रृतनायुरभ्या ओम पाहिनो अग्ने रक्षसो पाहि पाही रुषो अघायो नायुरभीष्याम प्रार्थना की है कि हे अग्ने हे परमात्मन प्रभो आप अजुष्टात जो कभी भी प्रीति पूर्वक प्रभु के उपासन में नहीं प्रवृत्त होता उस रक्षसा राक्षसी भाव से न पाही हमारा रक्षण करिए धूरते है, हिंसक अरुषा अदाता जो कृपण है कंजूस है जो देने का भाव नहीं रखता है तथा राक्षसी भाव से पाही न हमारी रक्षा करिए हमारे अंदर दैत्य का जो भाव है जो आसुरी भाव है उस आसुरी भाव से हमारी रक्षा करें प्रभो और धूर्ते हैं हिंसक अरुषा पाही ये जो अदाता वाला भाव है जो पाप की कामना वाला भाव है अघायो अघ अग बोलते हैं पाप को तो पाप की कामना वाले पुरुष से भी हमारी रक्षा करिए पापी के भाव या पापी के स्वभाव में हमारा बिल्कुल मन ना लगे अर्थात हम उससे दूर ही रहें पाप या पापी जब हमारे निकट होंगे तो कभी ऐसा ना हो कि हमारा मन बिगड़ जाए हमारा जो गंतव्य है जो प्राप्तव्य है उससे हम भटक जाएं। हम इस पाप की कामना वाले पुरुष से दूर रहें इससे हमारी आप रक्षा करिए हमें इससे बचाइए हम ऐसे पुरुषों के संग में ना पड़े पड़ जाएं, या ना पड़े रह जाएं। हे प्रभो मैं त्वायुजा आप साथी से आपको मित्र रूप में पाकर के वेद मंत्र में कहा प्रतनायु प्रतनायुन अर्थात हमारे पर आक्रमण करने वाले शत्रु सैन्यों को भावों को अभिश्याम अभिभूत करने वाला मैं बनूं हे प्रभो आपकी कृपा दृष्टि से आपके द्वारा दिए गए मनोबल से आत्मबल से बुद्धिबल से शरीर बल से मैं अपने अंदर के राक्षसी या आसुरी भावों को पाप की वृत्ति को मसल करके रख दूं, मेरे अंदर एक क्षण का भी पाप का भाव ना आए मेरे अंदर के जो कुविचार हैं जो कुसंस्कार हैं वो कुविचार कुसंस्कार मेरे से दूर रहें हे प्रभो आप मेरी रक्षा करिए आप मेरे अंदर के आसुर भावों को नष्ट करने का सामर्थ्य मुझको दीजिए राक्षसी भावों से हम दूर हो, हमारा संग हिंसक अदाता पापेच्छु और पुरुषों कि ऐसे पुरुषों के साथ ना हो प्रभो हम तो आपको अपना साथ ही मानते हैं हम आपको अपना मित्र मानते हैं हम आपको अपना सखा मानते हैं, हैं हम ऐसे लोगों के सन्निधि में न रहें ऐसे लोगों ऐसे पुरुषों का संग हमको कभी भी मत कराइए जो पाप की प्रवृत्ति वाले हैं जो पाप की वृत्ति वाले हैं जो आसुरी स्वभाव वाले हैं जो कंजूस हैं कृपण हैं जो कायर हैं कमजोर हैं बुजदिल हैं ऐसे लोगों के संग में हमारा भी स्वभाव कहीं ऐसा न हो जाए इसलिए हमको अच्छे लोगों का संग दीजिए और आप हमारे सबसे अच्छे सखा हैं आप हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं आपको हम अपना बंधु बांधव मानते हैं हम अप, आपको अपना सखा मानते हैं हम आपको अपना साथी बना करके इन शत्रुओं से बच पाते हैं क्योंकि इनके ऊपर हम आक्रमण करते हैं और हम शत्रु सैन्यों को पराभूत करने वाले बन जाते हैं आपकी ही शक्ति से बनते हैं प्रभो इसलिए मन और हमारा यह जीवन बहुत ही यशस्वी हो हम एक पल का भी मन में कोई गलत भावना रखें ये मन चंचल जो है ये हमसे कहीं गलत प्रवृत्ति में हमको ना ले जाए इसलिए मन की चंचलता को भी दूर करिए मन का पवित्र भाव हमको दीजिए हम आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना कर सकें ऐसे लोगों की संगति ऐसे कुसंगति में ना पड़े जो दुर्मति हैं, जो कुसंस्कारी हैं, जो कुकर्मी हैं, जो पापी व्यक्ति हैं या पापी मनुष्य हैं, उनका हमको संग कभी मत दीजिए पाही पाही उससे हमारी रक्षा करिए पाही नो अग्नि हे अग्नि हे अग्रणी प्रभो ऐसे कृपण प्रवृत्ति वाले लोगों से ऐसे अदाता जिनके जो जो है Uh, केवल लेने का ही स्वभाव जिनका है जो देवत्व के गुणों से युक्त नहीं है वो लेने के गुण से लेवता बने हुए हैं जो ऐसे लेवता से हमारा पीछा छुड़ाइए और बहुत सुंदर बात कही है मन चंचल चल ओम शरण में मन चंचल चल ओम शरण में ओम शरण में, ओम शरण में, में मन चंचल चल ओम शरण में ओम ही तेरा जीवन साथी मित्र हितैसी सब दिन राती ओम ही तेरा जीवन साथी मित्र हितैसी सब दिन राती दो दिन के हैं ये जगवाले दो दिन के हैं ये जगवाले साथ न देंगे जन्म मरण में मन चंचल चल ओम शरण में मन चंचल चल ओम शरण में कितने दिन हंस खेल लिया है सुख पाया दुख झेल लिया है कितने दिन हंस खेल लिया है सुख पाया दुख झेल लिया है रुक जा मत जा माया के संग रुक जा मत जा माया के संग डूब मरेगा कूप गहन में मन चंचल चल ओम शरण में मन चंचल चल ओम शरण में ओम शरण में ओम शरण में ओम में, ओम शरण शरण में 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 जग में तूने प्यार बढ़ाया कितना सिर पर भार चढ़ाया जग में तूने प्यार बढ़ाया कितना सिर पर भार चढ़ाया पग पग मुश्किल हो गिर पगले पग पग मुश्किल हो गिर पगले भौसागर के पार में मन चंचल चल ओम शरण में मन चंचल चल ओम शरण में सब चिंताएं मिट जाए तेरी सब चिंताएं मिट जाए तेरी भजले फेरी भजले हेरा फेरी ओम नाम ले के सहारा आनंद पाले ईश शरण में मन चंचल चल ओम शरण में मन चंचल चल ओम शरण में ओम शरण में ओम शरण में चल मन चंचल चल ओम शरण में मन चंचल चल ओम शरण में तो मन की चंचलता को दूर करके हम प्रभु का जो आदेश उपदेश निर्देश है उसको हम आत्मसात करें और इस प्रकार से वह अपने जीवन को धन्य बना लेता है क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा हम कुसंग से बचें हम बुरी संगति से बचें अच्छे लोगों की संगति में आए इसलिए कहा है रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की क्रोध खुद काया में दफन कर ले मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले प्रभु को भजे तो प्रभु में हो जाएगा भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा आत्मा के साथ साथ मन कर ले मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले तो हम जीवन में सत्पात्र बने सुपात्र बने और प्रभु को स्मरण करते हुए अच्छे लोगों की संगति में रहें इसलिए कहा है अग्नि जो हमको सदा आगे बढ़ाता है और अगले मंत्र में कहा कि अपने को आगे प्राप्त कराने वाला प्रगतिशील पुरुष तो वही है जो एक गतिशील पुरुषों को लाख जाता है अति समम क्रामम इस उपदेश का क्रवान्वित करता है जिसके घर में संतान शक्तिशाली होती है तथा दृढ़ हस्त होता है अर्थात जो संतान को शक्तिशाली व दृढ़ता के कार्यों को करने वाला बनाता है बहुतों का शहस्त्रों का रक्षक होता है अर्थात केवल अपने लिए न जीता हुआ अक्षरा नष्ट न होने देने वाले स्तोत्रों के समेती साथ गति करता है अर्थात प्रभु स्तवन करता हुआ कार्यों में तत्पर होता है यह प्रभु स्तवन उसे क्षीण शक्ति नहीं होने देंगे हम एक संकल्प तो करें और संकल्प के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो जीवन और जगत का अतिशय कल्याण होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है सज्जनों की संगति से अच्छे लोगों की संगति से हमारा स्वयं का व्यक्तित्व कृतित्व तो और नेतृत्व तो बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे हम जीवन को इस जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं अनेक प्रलोभन आते हैं अनेक प्रकार की बाधाएं आती उन बाधाओं को उन विघ्नों को उन समस्याओं को उन विकट संकटों को हमको काटना है हमको आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमको अच्छे लोगों की संगति ज़रूर करनी चाहिए इसीलिए कहा कि सत्संगति से ही हमको सज्जन लोगों की संगति से ही आगे बढ़ना होता है शक्तिशाली दृढ़हस्त संतान वालों वाला जो व्यक्ति है वह अपने लिए केवल ना जी करके इस संसार के लिए समाज के लिए भी वह बहुत कुछ देने वाला होता है और देकर के ही व्यक्ति संसार का कल्याण कर पाता है प्रभु की उपासना से यह जीवन बहुत ही प्रगतिशील होता है यह प्रथम लक्षण निजीवन की प्रगति का सूचक है दूसरा लक्षण पारिवारिक सौंदर्य का संकेत कर रहा है तथा तीसरा लक्षण सामाजिक कर्तव्यपारायणता का प्रतिपादन कर रहा है हम सुजात वीर बने अर्थात प्रभु हमको निश्चय से ही आगे बढ़ाने वाले होते हैं अग्रणी प्रभु निश्चय से ही हमारे हृदयों में भक्ति का शक्ति का श्रद्धा का और समर्पण का सेवा का सत्कार का भाव जागृत करते हैं हम उसको स्वीकार करें और स्वीकार करके उसको अंगीकार करके जीवन में जीने का प्रयास करें यदि हम ऐसा जीते हैं तो प्रभु जान के प्रकाश से हमको प्रदीप्त कर देते हैं और प्रबोधकों को हिंसकों से निपाती बचाता है काम क्रोध लोभ मोह हिंसक भावों से यह अपने प्रबोधक को रक्षित करता है उरुष्यात महान अहंसा पापों से भी बचाता है इसी कारण सुजात सह उत्तम जन्म वाले कुलीन वीराह वीर पुरुष परिचरंती इस प्रभु की परिचर्या करते हैं वस्तुतः यह उपासना ही प्रभु की भक्ति ही हमको शक्ति से युक्त करती है हम अपने प्रभु के उपासक सच्चे उपासक बने और सच्चे उपासक बन करके हिंसा से बचें हम न हिंसा करने वाले हों और न हिंसा सहने वाले हों दोनों बातें हैं हमारा यशस्वी जीवन तेजस्वी जीवन ऐसा हो जो महान हो और पापों का नाश करने वाला हो पापियों का भी विनाश करने वाला हो तुरितों का अंदर के भी और बाहर के भी उनको पराभूत कर पराभव उनका करने वाले हों हम अपने को रक्षित करने वाले हों संसार को भी रक्षित सुरक्षित करने वाले हों प्रभु की उपासना उपासक को सुजात व वीर बनाती है धीर वीर गंभीर बनाती है सदा ऐसा ही भाव हमारे मन में हो हमारे वाणी में हो हमारे व्यवहार में हो तो जीवन निःसंदेह श्रेष्ठ बनेगा हम ऐश्वर्य से युक्त बनेंगे त्याग की वृत्ति वाले बनेंगे याज्ञिक बनेंगे कल्याणतम जीवन जीने वाले बनेंगे तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए मंत्र के साथ ओम शांति शांति शांति